अच्छी अच्छी पढ़ाई हो रही है ना। तो चलिए देखिए आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम गुज़श्ता तीन हरूफ जिनके नाम है दाल, दाल और जाल, इनके नामों, आवाजों और ज़खीरा अल्फाज की दोहराई करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम सुनेंगे एक दिलचस्प कहानी। हुर्रे! बहुत दिनों की बात है, एक गांव में एक प्यारा सा लड़का था जिसका नाम था दानियाल। उसकी फलों और सब्जियों की एक बहुत अच्छी सी दुकान थी और गांव के सब लोग उससे फल और सब्जियां खरीदने आते थे। उसी गांव के पास एक बहुत बड़ा जंगल था जहां पर बहुत अरसे से डायनासोर सोया हुआ था। लेकिन अचानक वो भूख की वजह से जाग गया और खाने की खुशबू सूंघते सूंघते वो दानियाल की दुकान के पास आ गया। ये खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे तुम कौन हो? आज तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। दानियाल तो बुरी तरह से डर गया और उसने डायनासोर से बोला, ओ डायनासोर, प्लीज आप मुझे मत खाएं। ये देखिए मेरे पास कितने सारे फल और सब्जियां हैं, आप इनको खा लीजिए, ये बहुत अच्छी होती हैं और आपको बहुत ताकतवर भी कर देंगी। क्या फल और सब्जियां? ठीक है, ज्यादा बातें नहीं करो, लेकिन मैं तुम्हारा सारा जखीरा ले जाऊंगा क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ। और यूं डायनासोर ने फलों और सब्जियों का जखीरा लिया और वापस जंगल में चला गया। अब बच्चों, डायनासोर ने सारे फल और सब्जियां खा लिए। जब उसने सब फल और सब्जियां खा लिए तो आपको पता है अगले रोज क्या हुआ? देखिए जरा। अरे दानियाल, तुम तो बहुत अच्छे लड़के हो, देखो तो मैं कितना बड़ा हो गया, तुम्हारी फल और सब्जियां तो बड़े कमाल की थी, देखो तो सही मैं कितना बड़ा हो गया, लेकिन अब मैं तुम सबको खा जाऊंगा। अब फिर से दानियाल डर गया और उसने कहा, देखो डायनासोर, प्लीज हम सबको मत खाना, मैं आपको खाने के लिए कुछ और भी अच्छी चीजें दे सकता हूँ। अब दानियाल ने सोचा कि ये उसने क्या गलती कर दी, अगर वो इसी तरह से सेहतमंद करने वाले खाने उस डायनासोर को देगा तो डायनासोर तो बहुत बड़ा होकर सबको खा जाएगा। तो फिर दानियाल ने एक मनसूबा बनाया। दानियाल ने कुछ ऐसे खाने इकट्ठे किए जिससे कि डायनासोर बहुत जल्द बीमार हो जाए, जैसे मार्शमेलो, जेली जो दांतों में चिपक जाती है, और कुछ चिप्स और ऐसी चीज़ें जिससे दांत और पेट दोनों ख़राब हो जाते हैं। तो फिर जब दोबारा से डायनासोर उसे खाना लेने के लिए आया तो दानियाल ने अपने मंसूबे पे कैसे अमल किया? दानियाल, कहाँ है मेरा आज का खाना, ला दो मुझे। हाँ डायनासोर, आप फिक्र मत कीजिए, ये देखिए मैंने आपके लिए पहले से भी ज्यादा लजीज और मजेदार खाना इकट्ठा किया है, ये लीजिए और सब खा जाइए। और यूं डायनासोर वो सारी जंक फूड लेकर वापस जंगल में चला गया। अब जब उसने इतने सारे गंदी गंदी चीजें खाई तो उसके पेट और दांतों में शदीद दर्द हुआ और अगले ही रोज वो आया और उसने कहा, ओ ओ दानियाल, ये तुमने क्या किया, देखो तो मेरे पेट में दर्द हो रहा है और तुम्हें पता है मेरे सारे दांत भी टूट गए। ये कौन सा गंदा खाना मुझे दिया था, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और यूं डायनासोर
बीमार होके दर्द के मारे गिर गया और सब लोगों ने उसको रस्सियों से बांधकर दरिया में फेंक दिया। और यूं दानियाल की अक्लमंदी से सब लोगों की उस खतरनाक डायनासोर से जान छूट गई। जी तो बच्चों, देखा कितनी दिलचस्प कहानी थी। और इस कहानी से हमने क्या सीखा? दो अच्छी बातें। एक बात तो ये कि हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, जैसे फल, सब्जियां और घर का पका हुआ खाना। और दूसरी चीज हमने सीखी कि हमें ऐसी गंदी चीजें जिससे दांत और पेट खराब होते हैं वो नहीं खानी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमने कुछ हरूफ भी सीखे और उनसे शुरू होने वाली कुछ चीजों के नाम याद किए। जैसे ये देखिए, हमने दाल से क्या सीखा? द दानियाल और द दुकान। द दानियाल, द दुकान। और दाल से हमने क्या सीखा? इतना प्यारा सा लेकिन एक खतरनाक डायनासोर। द डायनासोर। और जाल से हमने सीखा एक जखीरा। ये देखिए, जाल से हमने क्या सीखा? जखीरा, फलों और सब्जियों का जखीरा जो डायनासोर को दानियाल ने दे दिया था। तो इस तरह से आज हमने कितने सारे नए जखीरा अल्फाज याद किए। तो बच्चों, इतनी सारी दोहराई करने के बाद आज उर्दू की अमली किताब में सफा नंबर 29, 2 और 9, 29 में हम कितना आसान काम करने जा रहे हैं। ये देखिए, हर्फ दाल, डाल और जाल, और उनके सामने कितने सारे जखीरा अल्फाज हैं। आपने दुरुस्त वाली तस्वीर के गिर्द दायरा लगाना है, जैसे दाल से दवात होती है। डाल से क्या होता है? चांद होता है? नहीं, ड्रम। जी हाँ, आप ड्रम को दायरा लगाएंगे। इसी तरह से आप जाल से भी देखेंगे कौन सी तस्वीर शुरू होती है। तो दुरुस्त तस्वीर के गिर्द दायरा लगाने के बाद आप इनमें अच्छा सा रंग भरेंगे। और अब देखिए ये क्या लिखा है, दाल से शुरू होने वाली कोई सी तस्वीर बनाइए। यहाँ पर आप दाल से शुरू होने वाली कोई सी तस्वीर बनाएंगे, जैसे आप दरख्त भी बना सकते हैं, दरवाज़ा भी, और इसके अलावा भी उर्दू के कायदे में बहुत सी तस्वीर और जखीरा अल्फाज है। तो जो आपको पसंद हो, लेकिन वो दाल से शुरू होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इतना अच्छा सा काम कीजिएगा। कल फिर आपसे मुलाकात हो।